शांति, ओम शांति, ओम शांति। रोज जाप जप करो बच्चे, करो क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया होगा। समय को देख भी रहे हो कि मनुष्यों के मनों में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं है। दुनिया में चिंता बढ़ रही है, हमारी बढ़नी तो क्या है, उड़ गई। उसका कारण क्या बताया था बाबा, याद है? प्रभु चिंतन। तो बाबा कहता है सो चिंतन और प्रभु चिंतन और शुभ चिंतन। तो प्रभु चिंतन सारी चिंता को उड़ा देता है। आपने प्रभु को दे दिया, लो जी। जैसे छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम अपने बाप को दे देता है, लो जी स्कूल की फीस आ गई, आप दे देता, लो जी मुझे ये लेना। इसी तरह बाबा कहते हैं मैंने कुल छुट्टी दी हुई है, अपना बोझ मुझे दे दो। बच्चे नहीं देते तो क्या करें। एक गांव का आदमी था, वो रोज पैदल सिर के ऊपर गठरा रख के दूसरे गांव जाएगा। अचानक वहां रेलवे आ गई, लोगों ने कहा भाई इससे बच गया तू, रेल में बैठ जा, फटाफट जाएगा। वो मान गया, लेकिन उसको ये नहीं किसी ने बताया कि कछुआ पीर उतार के रेलवे में रख सकते। तो रेलवे में जाता था कछुआ सिर पर ही रहता। इसलिए हम ऐसा तो नहीं करते। बाबा कहते हैं बिल्कुल हल्के हो जाओ। हम कहते हैं तो बाबा को क्या तकलीफ देती है, मेरा ही तो कछुआ है, मुझे ही दोष आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं धोखा है। तो इसलिए आप प्रभु चिंतन है, प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो। प्रभु चिंतन के बाद बाबा ने हमारे साथ क्वालिफिकेशन लगा दी है कि प्रभु चिंतन करने वालों में क्या चिन्ह होंगे। प्रभु चिंतन करने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करण करावन हार पाप है। जुम्मेवार वो है जो कहता हम करते हैं तब हम निमित। अगर अपनी मर्जी करेंगे निमित नहीं है। सीता को राम जी ने लकीर लगा दी, या इसके अंदर रहोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा तो सोचती कि मेरे लकीर के अंदर रहना, जरा सा बाहर गई देखो। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सारा कर्म करावन हाथ होगा अगर मेरी मर्जी पर चलोगे। तो दो निशानियां हैं, हम निमित है और निर्माण। किसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, रावण हार करा रहा है, ये सब